चल तेरी मित्रा ने मिलाऊंगा कौन भालू अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। सो हे वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस, दिस इज क्रेजी ब्रदरहुड। सो दोस्तों, आज के दिन भाई लोग जा रहे हैं न्यू मंजिल की तरफ, जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है। तो करते हैं आज के इस सुहाने सफर को शुरू एंड लेते हैं नज़ारे वादियों के, हिमाचल के। सो चलिए गाइस, चलते हैं। सो गाइस, अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है अभी। तो अपर भांबला से अभी हम जा रहे हैं रिबालसर के लिए। तो साथ में हमारे आज बैठे हैं अनमोल भाई ड्राइविंग सीट पे, और पीछे दीक्षा दी, साथ में हमारी नेहा भाभी जी, और मुझे तो आप जानते हैं, आपका प्यारा निखिल। तो दोस्तों, मौसम काफी अच्छा है आज का, धूप मीठी मीठी पड़ी हुई है, और आगे व्यू गाइस अल्टीमेट आएंगे रास्ते में। कलखर जाते जाते तो मतलब हमारी रूह खुश हो जाती है इन रोडों को देख के। तो चलते हैं थोड़ा आगे, और आप देख सकते हैं नज़ारे, हरे भरे पहाड़ सामने। तो गाइस, आप देख सकते हैं अल्टीमेट व्यू आ रहा है पहाड़ों के बीच में, और आप देख सकते हैं घुमावदार मोड़, और अंजलि बस जाती हुई। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि रुक जाओ, मेरा पागल हो गई, रुक जाना इस मुंह। हाय हाय भाई, सामने का व्यू एकदम जबरदस्त। अरे हम तो का पीछा नहीं छोड़ेंगे रे। सो गाइस, जिस व्यू की मैं बात कर रहा था आप देख सकते हैं, हरे भरे पहाड़ भाई, अल्टीमेट फीलिंग है। और साथ में हनुमान जी की मूर्ति, जय श्री राम। सो दोस्तों, कलखर जो है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे अब, और भाई लोग कर रहे हैं सफर को एंजॉय पूरा, गप्पे शप्पे चली हुई है, एक दूसरे की टांग खींचना जैसे कि वही चीजें। और वैसे अगर इस रोड की बात की जाए तो बरसात के मौसम में आपको काफी झरने मिलेंगे यहाँ पे, और नाड़ू भी काफी बगे हुए होते हैं, ठीक है। सो डिमांड हो रही है शराबी जनों की, डिमांड हो रही है पेट्रोल। कितना चला है? 94। चलो जी, कलखर पहुंच चुके हैं अभी। सो शराबी चने की बात हो रही थी, भाई कहाँ पे? वो सामने, हाँ सामने मिलेंगे अंकल के पास। जा 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 जा। और मैं जाऊंगा ना। क्या शराबी चने बोल रहा हूँ? नहीं चने दे दो। पूछ ले, 10-20 रुपये चेक तक करिए, टेस्ट तक करिए। हाँ सो चलो, मैं बोला अभी बना। तुझे आगे मैं गड्डी साइड लाना है। कितने रे भाई? 10-20 या 10-20 है रे, टेस्ट करने जोगे के नहीं हो। ठीक है ठीक है, चने चाहिए थे। सो ये हैं शराबी चने। नहीं, बच्चे बोल रहे थे कि शराबी चने दो, पैक करने। हाँ कर देना। हाँ जी, हाँ चटनी भी डाल दो आप ना, उसको अलग ही दे देना, या इसमें देख लो जैसे ठीक लगे। तो ये है दोस्तों कलखर, और अगर आप सामने देखोगे तो रिबालसर जू की आपको बोर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब हम रिबालसर गए थे तो वहाँ पे हम आपको जू नहीं दिखा पाए थे। तो आज सब कुछ इंजॉय होगा वहाँ पे फैमिली के साथ। तो चलते हैं, अब करते जल्दी से आगे का सफ़र शुरू। ए जी, वटके और नींबू नचौड़ी दिया पूरा है।
शराबी चने हैं, डाइट वाले शराबी चने। सो अभी करते हैं थोड़ी देर है ना शराबी चनों का सेवन, इंजॉय करेंगे। रिबालसर की तंग गलियां दोस्तों, साथ में मार्केट सजी हुई है और रोड का काम चला हुआ है इसका थोड़ा बहुत अभी। ओहो कुछ मिस हो गया आपको दिखाने के लिए, बट नेक्स्ट टाइम वापस आते हैं पैदल। हाँ वापस आते हैं मार्केट घूमने का। ये मुझे मेरे मामू की दुकान नहीं सारी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी आइटमें मिल रही है यहाँ पे। सो आज रिबालसर में भीड़ ज्यादा है वैसे। मेक शुगर भाई जेको ये बची। तो दोस्तों अभी भाई और भाभी जो हैं वो अपने रिलेटिव के जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, सामने आप देख सकते हैं। और मैं और दी सोच रहे हैं कि हम थोड़ी देर यहाँ पे घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं इस प्लेस को। आप देख सकते हैं भीड़ आज काफ़ी ज़्यादा है वैसे रिबालसर में, और पहले पहले यहाँ पे ये वाला काम चला हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि सामने कंप्लीट कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी हो गई है। और इसको मछलियाँ देखनी है, मछलियाँ काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको यहाँ पे देखने के लिए। गौतम बुद्ध जी की मूर्ति, बत्तख खुले भी छड्डी ना होना है बीच बीच। तो लो जी काफ़ी स्पेशल आइटम मिलेगी आपको यहाँ रिबालसर की मार्केट में देखने को। साइडर केक है अलग अलग चीज़ें, शॉपिंग लाइन मिडल कर लिया है। विंटर के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ मार्केट में, आप देख सकते हैं कहीं कहीं तो अपने हाथ की बुनाई से बनाई हुई वस्तुएं भी है यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे सिख मॉन्क और हिंदू काफ़ी व्यक्ति आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो चलते हैं आगे और मार्केट एक्सप्लोर करते थोड़ी ज़्यादा और बताते हैं आपको। सो दोस्तों ये जो मार्केट है वो झील के सराउंडिंग में ही आपको देख सकते हैं सामने, और ठीक है ये क्या चीज़ है भाई। तो यहाँ पे तिब्बतन मॉनेस्ट्री है ये, और तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी एंटीक चीज़ें यहाँ पे। यहाँ पे एक बेल है जिसके पास ऊपर जाना तो मना है, बट इसके ऊपर काफ़ी कलाकारी की गई है, मुझे तो लग रहा है कि मंत्र है जैसे, तो काफ़ी स्पेशल बनाती है इस जगह को, और काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो अब चलते हैं जू की साइड, हम सोच रहे हैं कि इस बार जू हमने देखना है। वैसे टाइम हो गया है 5 बजने के आसपास हैं, तो देखते हैं कि क्या बनता है हमारा। अरे इसको बांधा हुआ है बेचारे को, है क्या किस्मत है तेरी भाई। चलो चलते हैं अभी आगे, भाई और दीक्षा दी जा रहे हैं आगे जल्दी जल्दी से जो बंद ना हो जाए। और आप देख सकते हैं दोस्तों झील के साइड में ये पेड़ किस तरह का नज़ारा देते हैं हमें, और इस रोड का जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, कुछ टाइम में आपको पक्का मिल जाएगा ये भी देखने के लिए। सो सामने ही सिख भाइयों का गुरुद्वारा भी है, और अगर आपने इससे पिछला व्लॉग हमारा देखा होगा रिबालसर झील के ऊपर, सो यहाँ पे हमने तीनों धर्मों के ऊपर आपको डिटेल में एक वीडियो प्रोवाइड की है। सो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। तो चलते हैं आप जू की साइड। सो दोस्तों ये पार्किंग ग्राउंड है यहाँ पर, और मेले भी लगते हैं इस ग्राउंड पर। तो सामने आप देख सकते हैं कि मिनी जू रिबालसर,
यहाँ से काफ़ी फैला हुआ है ऊपर तक, आप देख सकते हैं, और काफ़ी वन्य जीव आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो देखते हैं अभी एंट्री मिलती है हमें या नहीं, क्योंकि अंदर का व्यू जो है गाइस अल्टीमेट है। सो पहले टिकट कटवानी पड़ेगी, आई थिंक इतना 5 रुपये होना काफ़ी सस्ती है। तो अगर आप कभी आओ तो इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करके जाएं। ऐसे काम भी चला है यहाँ पे। बंद है क्या? अच्छा बंद है। सो दोस्तों काफ़ी मुशक्कत के बाद हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई अभी, और हम बात कर रहे हैं वन्य जीवों की। आप देख सकते हैं सामने सैम्ब्रो हिरन या क्या चीज़ है रुको आपको थोड़ा पास से बताते हैं। देखो इनके कक्कड़, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कक्कड़, इनके लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अंदर प्रोवाइड की है, शेल्टर, और इनको घास डालने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा बंदोबस्त है। हाँ चल तेरे मित्र ने मिलाऊंगा कौन भालू भालू में। सो दोस्तों वैसे तो आगे भी जा सकते थे हम, बट अभी आज छुट्टी होने के कारण इन्होंने बोला कि आप यहीं पे आसपास विजिट कर लो, बट स्पेशल चीज़ें आपको दिखाते हैं। मैक्स को छोड़ो इसके अंदर है ना, लो जी भालू, ब्लैक भालू दोस्तों, देख सकते हैं आप। हेलो, ये आया जी। हेलो, कितना भारी होना भाई ये? ओ यार भारी है, पॉइंट लाते हो। इसके नाखून तो देखो है ना। ठीक है, ये खाना है जी इसका। अच्छा सो दोस्तों भालू का खाना जा रहा है, और ये लो जी ये भी चल पे। भालू जी भी चल पे। ये किसके बने होते हैं जी? अच्छा नॉर्मल ही है, रोटी है ना। चलिए लो कणक का रोटी। अच्छा अच्छा ठीक है, तेरे हाथ उठा नहीं मार दा, वैसे नहीं अटैक करता मार देंगे ना। चलो रोटी बांधने तो हाथ आईडिया है। सो लो जी देखो इतना प्यारा है, वो बैठ गया है हमारे नेक्स्ट तरफ है तो शरीफ वैसे। हाँ खाने लगे। मार रहा है, दिख चुके हैं। वो देखो रेडी हो रहा मारने, चले ठीक है करने देते इसको एंजॉय ना। चलो ठीक है बाय। बस बस बस, बड़े अच्छे जंप मार रहा। दोस्तों अभी हमें सामने एक हिरन दिखा है, काफी सुंदर है ये, ओ देखो कैसे देख रहे हैं ना और इसके सींग आए अल्टीमेट। पहले तो हमें भी लगा कि ऐसे आर्टिफिशियल कोई मूर्ति है, बट जैसे हमने यहाँ आके देखा तो हम शॉक हो गए, क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल चीज मुझे ये लगी है ना, एनिमल काफी अच्छा है। और अभी तो घास खा रहा है ये, बाकी रेस्ट भी कर रहा हूँ ना इसी इलाके में। सो गाइस ओ देखो कैसे देख रहा है। हेलो कम ऑन, हेलो चलो। सो दोस्तों करते हैं इसी के साथ अपने इस ब्लॉग का एंड, एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करें, एंड क्रेजी ब्रदरहुड के साथ ऐसे ही बने रहें। हेलो बाय बाय।